फाइंड दी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड गिवन, तो इसमें एरिया आ जाएगा, एंड प्लेस राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के राइट एंगल पे है तो एरिया वेक्टर एंगल क्या बनाएगा, जीरो. बी और एरिया में एंगल क्या बन जाएगा, जीरो. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बी ए कॉस जीरो. ठीक है, पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट भी नॉर्मल क्वेश्चन है फ्लक्स का. तीसरा भी मेरे को जो क्वेश्चन करवाना है वो यहाँ से देख लेते हैं. तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, देखो जो फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, तो जो फ्लक्स डेंसिटी है उसके यूनिट्स क्या है, टेस्ला. तो ये बी की वैल्यू गिवन है, एक्ट नॉर्मल टू 50 टर्न कॉइल. तो बी कॉइल के 90 डिग्री पे है, तो एरिया वेक्टर और बी में फिर से एंगल क्या बनेगा, जीरो. तो एंगल जीरो बनेगा, एरिया पता है. फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया. रिमूव करने का मतलब बी क्या कर दिया, जीरो, इतने समय में. तो आप ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ टर्न्स पता है आपको, इसमें डी फाई की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू एरिया. अब बी इंटू एरिया में इसके अंदर आपने कोई कॉइल को घुमाया तो है नहीं, तो बी ए कॉस जीरो ही फ्लक्स का फॉर्मूला है, इनिशियल भी और फाइनल भी. फर्क क्या है, फर्क यह है कि बी की वैल्यू चेंज हो गई. पहले बी की वैल्यू कितनी है, बी वन, और फिर बी की वैल्यू कितनी है, जीरो. तो इसलिए आपने चेक किया बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया. एरिया का तो बाहर निकाल लिया कॉमन, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हो रहा. तो बी की वैल्यू फाइनल क्या है, जीरो, और इनिशियल क्या है, 10. आंसर. तो मेथड समझ में आ रहा है, यहां तक क्या रूल लगेगा. अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, एक वायर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बेंड इनटू अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया. तो आपको रेक्टेंगल का एरिया A1 पता है. इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर ने बी के साथ एंगल क्या बनाना है, जीरो. ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी गिवन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, बी वन. एक सेकेंड के अंदर लूप स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया तो नया एरिया आ गया A2. अब इस बार क्या हो रहा है, एरिया A1 से A2 चेंज हो गया और B की वैल्यू बढ़ गई, तो B1 से B2 हो गया, A1 से A2 हो गया. तो फिर फ्लक्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न तो इसमें 1 ही है, नंबर ऑफ टर्न का चक्कर ही नहीं है. तो फाइनल फ्लक्स में B2 A2, इनिशियल फ्लक्स में B1 A1, और टाइम आपको पता है आंसर. तो चेक करना पड़ेगा किसमें बी चेंज हो रहा है, चेक करना पड़ेगा किसमें ए चेंज हो रहा है. तो रूल समझ में आ रहा है यहाँ तक, फैराडेज लॉ का क्या रूल है, कोई डाउट इसमें. जैसे ये क्वेश्चन है, एयर कोल्ड सोलेनोइड, जो हम सोलेनोइड पढ़ते हैं जिसका फॉर्मूला होता है B μ0 Ni, वो एयर कोर ही होता है, अंदर हवा होती है, अंदर आयरन नहीं होता. तो इसलिए एयर या वैक्यूम एक ही बात है. तो B का फॉर्मूला एक्सिस के ऊपर क्या रहेगा, B = μ0 Ni. तो एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ पता है, एरिया पता है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी पता है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट भी पता है. तो यानी कि मैं बी तो निकाल ही सकता हूं इसका, B is μ0 Ni. व्हेन एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई. ऑन स्विचिंग ऑफ, मैंने करंट को ऑफ कर दिया, ऑफ करने का मतलब बी क्या कर दिया, जीरो. तो B2 जीरो हो गया. तो B1 मुझे पता है, B2 की वैल्यू भी मुझे पता है. क्या निकालना है, EMF निकालनी है, कितनी पैदा होगी, कब, 1 मिलीसेकंड के अंदर. तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप बी निकालते हो एक सोलेनोइड का, उस सोलेनोइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं. एक टर्न ले लो, एक टर्न का एरिया ए है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, एक टर्न का B1 × A. जो भी बी की वैल्यू है उसको एक टर्न के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो एक टर्न का फ्लक्स आएगा. पर पूरे सोलेनोइड का फ्लक्स क्या होगा, इसको एन नंबर ऑफ टर्न से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो पूरे सोलेनोइड का ये फ्लक्स है इनिशियल, एन से मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. क्योंकि अगर आप सिर्फ B1 × A करते हो तो वो आपको एक टर्न का फ्लक्स देगा, क्योंकि आपने एक ही टर्न का एरिया लिया है. पर क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप इसे एन से मल्टीप्लाई करें, ये इनिशियल फ्लक्स है. इनिशियल फ्लक्स आ गया, B1 की वैल्यू पुट कर दी μ0 Ni, ये रही, और यहाँ पे एरिया भी आएगा, करेक्शन है, यहाँ पे एरिया भी आएगा A, ऐसे B1 की वैल्यू μ0 Ni. तो बस फिर EMF क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स.
फाई टू आपको पता है जीरो, क्योंकि बी जीरो है तो फाई भी जीरो है, फाई वन आपको पता है, टाइम आपको पता है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे इस क्वेश्चन के बाद ये भी अलग क्वेश्चन है, एक क्लोज्ड क्वाइल है, ठीक है, कुछ क्वाइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 500 हैं, 500 हैं, उस क्वाइल की शेप रेक्टेंगल है जिसका एरिया पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका एरिया वेक्टर बी के साथ एंगल क्या बनाएगा, जीरो, तो बी वन आपको पता है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, आपको अब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं निकालना, करंट भी नहीं निकालना, चार्ज बताना है कितना इसमें चलेगा जब आपने बी को टर्न ऑफ कर दिया, टर्न करने का मतलब सॉरी टर्न ओवर कर दिया, क्वाइल को टर्न ओवर का मतलब रोटेटेड बाय 180। तो जब आपने उसको क्वाइल को कैसे रखा था, पहले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर क्या हुआ कि बी में बी वेक्टर इधर है और क्वाइल ऐसे है परपेंडिकुलर, तो बी और एरिया में क्या है, एंगल जीरो। जब आपने टर्न बाय 180 कर दिया तो बी तो ऐसे ही है, एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या बन गया, 180। तो इसलिए इनिशियल फ्लक्स क्या बना, बी ए कॉस जीरो, फाइनल फ्लक्स घुमाने पे क्या बना, बी ए कॉस 180। ये स्टेप समझ में आ रहा है, बी ए कॉस 180 और बी ए कॉस जीरो, तो चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया। अब ईएमएफ क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। मैथ्स में कॉस 180 क्या है, माइनस वन, माइनस वन का मतलब ये क्या आएगा, माइनस बी ए, ये भी माइनस बी ए, तो न्यूमिटर क्या बनेगा, माइनस टू बी ए, माइनस टू बी ए इंटू माइनस इज प्लस टू बी ए, तो आपके पास चेंज ऑफ फ्लक्स इसके इक्वल आ गया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई। पर आपको इसमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या है, ये पूरी की पूरी ईएमएफ है, इसको यहां पुट कर दो, पुट करके डेल्टा टी कैंसल, आंसर आ गया, दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि पहले क्या निकलेगा, ईएमएफ, फिर क्या निकलेगा, करंट, और फिर क्या निकलेगा, चार्ज। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है कैसे किया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन का क्वेश्चन। वैसे मैं आज थ्योरी में इसका शॉर्टकट भी कराऊंगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बताऊंगा उसे, एक सेकेंड में देखते आंसर आएगा। बट समझ में आ रहा है यहां तक क्या किया इसमें। जैसे ये भी एक नया टाइप का प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, तो लूप को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या बनेगा, जीरो, तो आपको बी पता है। सम हाउ रेडियस ऑफ द लूप बिगेंस टू डिक्रीज, रेडियस पता नहीं क्या हुआ, कम होना स्टार्ट हो गया, श्रिंक हो गया, तो रेडियस कम हो रहा है तो क्या बनेगा, डी आर बाय डी टी। तो रेडियस कम हो रहा है किस रेट के साथ का, मतलब dr by dt गिवन है, किस रेट से रेडियस कम होता जा रहा है। फाइंड emf induced जब रेडियस कितना रह जाएगा, दो। तो पहले ये बताओ कि फ्लक्स क्या होता है, b into area, आपको क्या एंगल नहीं लिया, एंगल भी लिया, कैसे, cos 0, क्योंकि ट्रांसवर्स का मतलब लूप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ था, b और एरिया में एंगल 0 था, तो b एरिया cos ऑफ 0, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। डी फाई बाई डी टी क्या होगा, इसे डिफ्रेंशिएट करें अगर टाइम के साथ, पाई और बी कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, टू आर डी आर बाई डी टी, तो यहाँ पर क्या आ गया, टू आर डी आर बाई डी टी, और क्वेश्चन में डी आर बाई डी टी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 mm पर सेकेंड, mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्लियर है। तो डी आर बाई डी टी आ गया, आपको क्या निकालनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी तो होती है, तो आप इसी वैल्यू को उठा के यहां पुट करो, यही आपकी क्या निकली है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ में रेडियस को सब्स्टिट्यूट करो, 2 cm को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका रूल है, जब आपका आर चेंज हो रहा होगा तो डी आर बाई डी टी को कैसे यूज करना है, बात समझ में आ रही है सबको, कोई डाउट इसमें? तो ये इसकी टेक्निक है जो आपने इसमें लगानी है।